हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग 2022 का जनरल मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके थे। अब हम कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का जनरल मेजर थ्योरी का 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो लेट्स सॉल्व इट। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर वन है कि लेट म्यू बी अ मेजर ऑन रिंग आर। अगर म्यू आपका मेजर है रिंग आर पे, एंड डिफाइन एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू सेट फंक्शन। और किस पे डिफाइन किया गया है एक्सटेंडेड रियल वैल्यू सेट फंक्शन? म्यू स्टार ऑन एच आर बाय द फॉर्मूला म्यू स्टार ए इज इक्वल्स टू ग्रेटर स्लोप बॉन्ड समेशन 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन सच दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity एन, ठीक है? एंड ई एन किस में से बिलोंग कर रहा है? आर में से, वेयर आर क्या है? एन जो है वो 1 to 3 एंड सो ऑन है, ठीक है? तो आपको क्या शो करना है बच्चे? शो दैट म्यू स्टार इज मोनोटोन। हमें शो करना है जो म्यू स्टार है वो क्या है? मोनोटोन है। म्यू स्टार इज काउंटेबली सब एडिटिव। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो म्यू स्टार है वो क्या है? काउंटेबली सब एडिटिव है, ठीक है? एंड हमें प्रूफ क्या करना है? हाँ जी, और हमें क्या प्रूफ करना है कि म्यू स्टार एक्सटेंस टू म्यू। ये थ्री कंडीशंस को हमको प्रूफ करना है। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन आया था पेपर में 2020 के। तो लेट्स सॉल्व इट, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि लेट ए बिलोंग्स टू एच आर। ए आपका एच आर से बिलोंग कर रहा है। कहाँ से? एच आर से, ठीक है? एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी किसका सबसेट है? ए का। देन वी हैव टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है? मोनोटोन की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन म्यू ए इज अ लेस देन इक्वल्स टू म्यू बी होती है। तो हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि बी किसका सबसेट है? ए का। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि म्यू स्टार बी इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ए। तब हमें प्रूफ होगा कि म्यू स्टार क्या है? मोनोटोन है, ठीक है? चलिए करते हैं। नाउ आपने क्या कहा? आपने ए जो लिया था, ए हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एच आर में से बिलोंग कर रहा है ना? तो देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ई एन इन आर। तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी ई एन इन आर में सच दैट कि ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन। ये हमको इक्वेशन में गिवन है, ठीक है? तो वही हमने यहाँ पे लिखा है इसको, ठीक है बच्चे जी? तो जो इक्वेशन गिवन है हमने वो ले ली है कि अगर ये एच आर में से बिलोंग कर रहा है तो एक ऐसी सीक्वेंस ई एन एग्जिस्ट करेगी आर में सच दैट कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन होगा। और इस टर्म को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन, ठीक है? नेक्स्ट आपने क्या कहा है? हमें पता है जो बी है, हमने क्या लेट किया है? जो बी है वो सबसेट है ए का, है ना? बी ए का सबसेट है। अच्छा, अगर ए, अगर बी सबसेट है ए का, तो अगर ए बिलोंग कर रहा है एच आर में से, तो ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है इन आर सच दैट कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity। तो बी अगर एच आर में से बिलोंग करेगा तो भी तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी ई एन इन आर सच दैट कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन होगी। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू, ठीक है? चलिए, अब जो हमको गिवन कंडीशन है इसको लेके चलेंगे कि म्यू स्टार बी, या म्यू स्टार ए है ना, तो म्यू स्टार बी इज इक्वल्स टू ग्रेटर स्लोप बॉन्ड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन, ठीक है? हमने कुछ नहीं किया, हमने ये जो स्टेटमेंट जो दे रखी है वो हमने लिखी है। हमको पता है जो ग्रेटर स्लोप बॉन्ड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई होता है वो लेस होता है, इक्वल होता है समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन के। पता है ना हम सबको ये, ठीक है? तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री। हाँ जी बच्चा जी, तो दिस इज़ ट्रू फॉर एनी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ई एन। तो ये ट्रू होगा हर एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ई एन इन आर के लिए। तो सच दैट कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन, सो टेकिंग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ओवर ऑल सच कवरिंग ऑफ ए। हम जितना भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले सारे के सारे, तो क्या होगा? म्यू स्टार बी इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ए होगा। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दी? कंडीशन ऑफ मोनोटोन प्रूफ कर दी। तो हम क्या कह सकते हैं कि म्यू स्टार इज मोनोटोन। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि म्यू, अब हमको क्या प्रूफ, हाँ जी, अब हमें प्रूफ करना है कि म्यू स्टार इज काउंटेबली सब एडिटिव। हमें क्या प्रूफ करना है? म्यू स्टार क्या है? काउंटेबली सब एडिटिव है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब हमने कहा कि लेट ए एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सेट इन एच आर सच दैट, अगर ए एन सीक्वेंस है सेट इन एच आर में, ठीक है? यानी ए एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एच आर में से बिलोंग कर रहा है। तो ए इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity एन हो जाएगा, ठीक है? इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फोर। अब हमें इसको काउंटेबली सब एडिटिव प्रूफ करना है। काउंटेबली सब एडिटिव का मतलब कि म्यू स्टार ए इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू स्टार ऑफ ए एन। हमको इसको ये प्रूफ करना है। दिस इज़ द, मतलब ये जो चीज़ है इसको मतलब बताता है कि काउंटेबली सब एडिटिव है, ठीक है? हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं।
हाँ जी, तो आपने क्या कहा बच्चा कि इफ़ म्यू स्टार ए इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अगर म्यू स्टार ए इन्फिनिटी होगा फॉर ऑल एन, तो देन इट होल्ड्स ट्रिविअली, तो ये ट्रिविअली होल्ड करेगा, ठीक है। देयरफॉर वी अज्यूम दैट, इसलिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि म्यू स्टार ए क्या है बच्चे, लेस देन इन्फिनिटी। अगर म्यू स्टार ए लेस देन इन्फिनिटी है फॉर ऑल एन, तो एक ऐसा एप्साइलन एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन जीरो कि इट विल सफिशेंट टू प्रूव दैट व्हाट बच्चा, कि म्यू स्टार ए जो है वो लेस देन इक्वल होगा समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ए प्लस एप्साइलन, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। तो फॉर ऑल एन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, हर एक एन के लिए एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी ई एन वन ई एन टू एन सो ऑन इन आर सच दैट बच्चे कि ए एन इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन के इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ई एन के होगा, ये स्टेटमेंट में है, हमें गिवन है, ठीक है। तो देखिए, तो देन क्या कहेंगे हम अगर इस पर म्यू अप्लाई करें कि म्यू स्टार ए एन इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समेशन के इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन के, गिवन है ना हमें स्टेटमेंट में, आप देखिएगा स्टेटमेंट में ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो समेशन के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन के क्या हो जाएगा, अगर म्यू स्टार ई एन इक्वल है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समेशन के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन के, ठीक है। तो अगर आप इसमें कोई एप्साइलन को ऐड कर देते हैं तो ऑब्वियसली अगर इसमें ऐड करेंगे तो अगर ये दोनों इक्वल हैं इसमें आप ऐड करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना बड़ा। तो आप क्या कह सकते हैं कि समेशन के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन के इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ई एन प्लस एप्साइलन अपॉन टू एन, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों जी, अब हम कह रहे हैं जो ए है वो सबसेट है यूनियन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन का, ठीक है। अगर ये सबसेट है यूनियन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी एन का, तो ए एन क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू यूनियन के इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन के था ना, तो ये सबसेट हो जाएगा यूनियन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू पुट कर दी यूनियन के इक्वल्स टू वन टू ई एन के इक्वल्स टू, अब इसके यूनियन को कंबाइन कर दिया तो यूनियन कैन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ई एन के हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ई एन के, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है बच्चों। चलिए आगे करते हैं। तो अब हमने कहा कि म्यू स्टार ए जो है इज इक्वल है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन के, ठीक है। तो हमारा जो म्यू स्टार ए होगा वो लेस और इक्वल होगा, लेस इक्वल होगा समेशन के एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन के, है ना, लेस और इक्वल होगा। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि अब हमें पता है, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी समेशन के इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में क्या बता रहा है वो, इक्वेशन 6 का यूज़ करके हमने क्या कहा कि म्यू स्टार ए इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन प्लस एप्साइलन अपॉन टू एन, ठीक है। ये हमने जस्ट कुछ नहीं किया, इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चले। तो आपने क्या कहा कि म्यू स्टार ए इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन प्लस एप्साइलिन, ठीक है। यहाँ एप्साइलिन आर्बिट्रेरी चूज किया था हमने, तो हम क्या कह देंगे कि म्यू स्टार ए इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 8। तो हमने क्या प्रूव कर दिया बच्चे कि म्यू स्टार इज काउंटेबली सब एडिटिव, म्यू स्टार हमारा क्या है, काउंटेबली सब एडिटिव है, ठीक है। हाँ जी, अब हम थर्ड पॉइंट को प्रूफ करेंगे, वो क्या है कि म्यू स्टार इज एक्सटेंड्स टू म्यू, म्यू स्टार किससे एक्सटेंड हुआ है, म्यू से एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। टू प्रूव ई बिलोंग्स टू आर म्यू स्टार इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है बच्चे जी। अब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि म्यू स्टार इज एक्सटेंड्स टू म्यू, म्यू स्टार किससे एक्सटेंड हुआ है, म्यू से। टू प्रूव ई बिलोंग्स टू आर म्यू स्टार ई इक्वल्स टू ई, हमको ये प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा जो म्यू स्टार ई है वो किसके इक्वल है, म्यू ऑफ ई के, ठीक है। तो आपने लेट किया अगर ई बिलोंग कर रहा है एच आर में से, अगर ई एच आर में से बिलोंग कर रहा है और ई किस में से, आर में से भी बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि जो आर है वो सबसेट है एच आर का, ठीक है। ठीक है बच्चों, ई एच आर में से बिलोंग कर रहा है इसलिए वो आर में से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि जो आर है वो एच आर का सबसेट है। अब आपने लेट किया कि ई वन इक्वल्स टू ई एंड ई एन इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर ई वन ई के इक्वल है एंड ई टू ई थ्री ई फोर एंड सो ऑन किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, देन
en इज अ सीक्वेंस ऑफ आर सच दैट en कौन सी सीक्वेंस है आर की सीक्वेंस है तो सच दैट e इज इक्वल्स टू यूनियन एंड इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी en होगा ठीक है. अगर इसमें हम म्यू स्टार अप्लाई कर दें तो म्यू स्टार e इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एंड इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ en हो जाएगा ठीक है. तो हम क्या कह देंगे कि म्यू स्टार e इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू e1 प्लस म्यू e2 प्लस म्यू e3 एंड सो ऑन. तो म्यू स्टार e अच्छा म्यू e1 किसके इक्वल है म्यू e के इक्वल है प्लस e2 किसके इक्वल है phi के 3b phi के बाकी सारी phi के. तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया बच्चे कि म्यू स्टार e इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू e और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 9. अब सपोज क्या कि en बी एनी सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन R. अगर en कोई भी सीक्वेंस है सेट्स की इन R में सच दैट तो क्या होगा बच्चे e इज द सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी en होगा. देन वी हैव टू प्रूव दैट कि म्यू e इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ en होगा ठीक है. चलिए अब यहाँ हमें डेफिनेशन अब हम कह रहे हैं कि म्यू ई इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन है. तो हम क्या कह सकते हैं कि म्यू ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन है ठीक है. तो म्यू ई अच्छा ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है म्यू स्टार ई एन के ठीक है. तो यहाँ से इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 10. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 हम क्या कहेंगे बच्चे कि म्यू ई इक्वल्स टू म्यू स्टार ई हैंस म्यू स्टार इज एक्सटेंस टू म्यू हैंस प्रूव. ये 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा. इसके 4 पार्ट्स होंगे 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं. तो ये सॉल्व कर दिया. अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सेकेंड वीडियो में पार्ट में इसको प्रूव करेंगे ठीक है. अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.